किसान दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की सहायता के नाल आपां गल करांगे कि 31 मई 2021 तक का मौसम किस तरीके का रहेगा। कुलदीप सिंह शेरगिल मरखाई वालों सारे किसान साथियों नूं सत श्री अकाल। वीडियो शुरू करन तों पहलां एक बेनती है कि यह संभावना बनती जाती है कि कुछ हिस्सों के 29 मई 30 मई 31 मई जां 1 जून के दरमियान वर्खा हो सकती है। जिलेवार गल आपां अगे करांगे तां बेनती यह है कि जिहड़े वीर तर वत्तर सीधी बिजाई झोने की कर रहे हैं वह झोने की गहराई का ध्यान रखन। जे ज़्यादा डूंघा झोना बीजा गया तो वह करंट हो गया तो वह निकलना औखा हो जाता है, तो गहराई अपनी प्रॉपर रखो तो बीज नूं भिओं के बीजो ता कि बारिश तो पहला पहला निकल सके। तो दोस्तों, बड़े अनुकूल हालात है कि 31 मई तक मानसून केरला पहुँच सकता है। ये जड़ा हैगा पछमी डिस्टर्बेंस है ते इहदे करके अगे साडे इत्थे वर्खा की कार्रवाई हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग का 27 मई 2021 का रात के 8 बजे का जो वैदर फोरकास्ट बुलेटिन है उसके अनुसार जे असी उसनू देखिए तां एक चीज़ सामने आउंदी है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली 29 मई तो लैके 1 जून तक वर्खा हो सकती है। तो उत्तराखंड के लगातार 27 मई तो लैके 30 मई तक वर्खा की संभावना है। पछमी उत्तर प्रदेश के 25 तो 50% एरिए वर्खा की संभावना है। पछमी राजस्थान के समय के दौरान कुछ एरिए वर्खा हो सकती है। लू भी चलेगी, ये मानसून की रेखा है जो कि 27 मई 2021 इस जगह के उपर है। तो बड़ी संभावना है कि 31 मई को इस जगह पर यह रेखा पहुँच जाएगी। तो लू चलन की संभावना पूरी पूरी है दोस्तों, खास तौर पर वह एरिया जिहड़ा कि राजस्थान के नाल लगता है। तो जो हुण वर्खा आएगी उहदे विच तुसीं यह भी काउंट करके चलो कि तेज़ हवा भी चलूगी। तो यह सारिया चीज़ों असी ध्यान च रखना। जेकर असी चंडीगढ़ तो जो मौसमी वार्निंग जारी हुई उन्हों पढ़िए तो इन्होंने कहा कि 30 और 31 मई 2021 के दरमियान पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके थंडरस्टॉर्म बिजली लिशकना 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के हवा के बुले चल सकते हैं 30 और 31 मई 2021 तक। इन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे खुश्क रहेंगे, उस तो बाद दे वेचे थोड़े जे एरिए दे वेचे वर्खा थंडरस्टॉर्म वगैरह दी घटनावां हो सकदियां। पंजाब दी जे जिलेवार गल करिए हजे तक यह संभावना है कि पठानकोट खुश्क रह सकदा है, लेकिन 31 मई नूं इत्थे भी वर्खा हो सकती है। गुरदासपुर दे वेचे खुश्क रहन दी संभावना है। श्री अमृतसर साहिब, तरन तारण, नवांशहर, कपूरथला, जलंधर इत्थे जिहड़ा हैगा 30 या 31 मई 2021 नूं वर्खा हो सकती है। नवां हुशियारपुर खुश्क रह सकता है, जेकर कोई अपडेट आएगी तो तुहाडे नाल शेयर कर दिती जाऊगी। फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा 30-31 मई जदों कि बठिंडा, मोगा, फाजिलका दे विच हो सकदा कि 29 मई 2021 नूं भी 25% एरिया वर्खा कवर एक कर सकती है। 25% एरिया जिहड़ी वर्खा हैगी है वह कवर कर सकती है। तो इस तों अगे लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, SAS नगर 30 या 31 मई 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25% ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 25% ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਵਰਖਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਵੈਦਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ 25% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 75% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮੌਸਮੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,
फरीदकोट श्री मुक्तसर साहिब बठिंडा इत्थे 30 मई 2021 नूं थंडरस्टॉर्म दी ते 31 मई नूं थंडरस्टॉर्म दे नाल जिहड़े हवा दे बुले है 30 तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चलन की संभावना है। मोगा दे विच भी 31 मई 2021 दी येलो वार्निंग है। लुधियाना बरनाला 31 मई, मानसा 30 मई, SAS नगर पटियाला रूपनगर फतेहगढ़ साहब संगरूर मानसा बरनाला लुधियाना 31 मई 2021 नूं थंडरस्टॉर्म लाइटिंग ते 30 चो 40 किलोमीटर प्रति घंटे दीआं हवावां चलण दी येलो वार्निंग जारी की गई है। अखीर ते पंजाब दे बारे मैं फिर यह कहना चाहना है कि जो चंडीगढ़ तो सूचना जारी हुई है उस दे अनुसार 25% तक एरिया वर्खा कवर कर सकती है, मतलब कि 75% तक एरिया खुश्क रह सकता है। केंद्र शासित चंडीगढ़ दे विच भी 31 मई 2021 नूं वर्खा हो सकती है। पंचकूला अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र कैथल करनाल एदा भी 31 मई 2021 नूं 25% एरिए दे विच वर्खा हो सकती है, हल्की वर्खा है। महेंद्रगढ़ रवारी झज्जर गुरुग्राम मेवात पलवल फरीदाबाद रोहतक 29 30 अते 31 मई 2021 दे दरमियान 25% हिस्से दे विच हल्की वर्खा हो सकती है। सोनीपत पानीपत 30 अते 31 मई 2021 नूं हल्की वर्खा हो सकती है। सिरसा फतेहाबाद हिसार जींद भिवानी चरखी दादरी इत्थे 29 30 अते 31 मई 2021 नूं 25% एरिए दे विच हल्की वर्खा होने की संभावना है। केंद्र शासित चंडीगढ़ पंचकूला अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र कैथल करनाल 31 मई 2021 नूं थंडरस्टॉर्म ते लाइटिंग की येलो वार्निंग जारी की गई है। महेंद्रगढ़ रवारी झज्जर गुरुग्राम मेवात पलवल फरीदाबाद रोहतक सोनीपत पानीपत 30 मई 2021 नूं थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। झज्जर दे विच 31 दे लई भी है, जदों कि रोहतक सोनीपत पानीपत दे विच 30 अते 31 मई नूं 30 तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवावां चलण की वार्निंग भी जारी की गई है। सिरसा फतेहाबाद 31 मई तेज़ हवा के नाल थंडरस्टॉर्म से बिजली लिशकना हिसार जींद 30 अते 31 मई भिवानी 31 मई। दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ दे विच 29 मई 2021 या 30 मई 2021 दे दरमियान वर्खा हो सकती है, धूड़ भरी हनेरी आ सकती है। तो इस तो बाद दे विच इत्थे लू चलन की वार्निंग आ गई है। तापमान जिहड़ा हैगा ये दिखा रहा कि हो सकता कि 47 डिग्री तक भी तापमान जा सकता, मतलब कि बहुत भयंकर गर्मी की वार्निंग जिहड़ी है इत्थे आ चुकी है। तो पछमी उत्तर प्रदेश लगातार 28 29 30 31 नूं बिजली चमकण ते तेज हवा 28 29 30 नूं बिजली चमकण ते थंडरस्टॉर्म दी वार्निंग है, जदों के 31 मई नूं 30 तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे दी दर नाल हवावां चलण दी वार्निंग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश दे विच भारी तों अति भारी मीह दी वार्निंग आई हुई है। तां कुल मिला के दोस्तो जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार असी मौसम देखिया, जम्मू भी देख लें, मौसम खुश्क रहने की संभावना है। तो यह वर्खा 29 30 31 1 जून 2021 के दरमियान हो सकती है। एरिया जिहड़ा हैगा वर्खा सारा नहीं कवर कर रही, एरिया जिहड़ा हैगा केवल 25% तक कवर कर रही है। आने वाले टाइम दे विच कोई अपडेट आउंदी तो तुहाडे नाल शेयर की जाऊगी। अगली वर्खा 7 जां 8 जून 2021 के दरमियान हो सकती है। सीधी बिजाई करने वाले वीरां दे लई बेनती है कि जो व्यक्ति रिस्क लेना चाहुंदा है तां उस दे लई बेनती है कि बीज नूं भिओं के बीजिया जावे ते बीज दी गहराई 1.5 इंच तों वध किसे भी हालत दे विच ना रखी जावे। तां इन्हां चीज़ां नूं ध्यान च रखदे होए ही बिजाई की जावे, लोकल मौसम जरूर देख लिया जावे। धन्नवाद दोस्तों, मेहरबानी दोस्तों।